तो इस वीडियो में आपको कुछ स्मार्टफोन्स के डील्स के बारे में बताने वाला हूँ। तो अगर आपको पता है तो ठीक है, और नहीं पता तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि फ्लिपकार्ट पे अभी मोबाइल बोनांजा सेल चल रहा है, जिसमें कई सारे स्मार्टफोन में हमें अच्छा खासा डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। तो अगर आपको स्मार्टफोन परचेस करनी है, अगर आपको कोई भी स्मार्टफोन परचेस करनी है, तो बहुत सारे स्मार्टफोन में अभी अच्छा खासा डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। तो इस वीडियो में आप लोगों के लिए कुछ स्मार्टफोन्स के डील्स लाया हूँ, जिसमें हमें अच्छा खासा डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। तो इस वीडियो में आपको इन सारे स्मार्टफोन्स के बारे में बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो भी आलमन करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे लिस्ट में पहला जो स्मार्टफोन आता है वो आता है वीवो का V9 Pro। और ये जो स्मार्टफोन है ये 4 GB रैम और 64 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है। और अगर फिलहाल इसकी प्राइस के बारे में बात करें तो इसकी जो प्राइस है वो 13,990 रुपए रखी गई है। और अगर हम इसके रेगुलर प्राइस के बारे में बात करें तो इसकी जो रेगुलर प्राइस है वो 14,990 रुपए होती है, यानी कि इसमें हमें करीब 1,000 रुपए का डिस्काउंट देखने को मिल जा रहा है। तो अगर आपको ये स्मार्टफोन परचेस करना है तो लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर क्लिक करके आप इस स्मार्टफोन को परचेस कर सकते हो। तो हमारे लिस्ट में दूसरा जो स्मार्टफोन आता है वो आता है Realme 2 Pro। और ये जो स्मार्टफोन है ये 4 GB रैम और 64 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है। इसके अलावा इसका एक और वेरिएंट है जो कि 6 GB रैम और 64 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है। तो दोनों वेरिएंट में हमें डिस्काउंट देखने को मिल जाता है, मैं आपको दिखा दे रहा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 6 GB की रैम और 64 GB इंटरनल स्टोरेज वाले वेरिएंट की जो कीमत है वो 14,990 रुपए है। और अगर हम प्राइस ग्राफ अगर चेक करते हैं तो इसकी जो रेगुलर प्राइस है वो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसकी जो रेगुलर प्राइस है वो 15,990 रुपए होती है, लेकिन ये जो स्मार्टफोन है ये हमें फिलहाल 14,990 रुपए में मिल रहा है, यानी कि इसमें भी हमें 1,000 रुपए का डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। और अगर हम दूसरे वेरिएंट के बारे में बात करें तो दूसरा जो वेरिएंट है वो 4 GB रैम और 64 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है, जिसकी जो कीमत है वो फिलहाल 12,990 रुपए रखी गई है। और अगर रेगुलर प्राइस के बारे में बात करें तो यहाँ पे हम प्राइस ग्राफ चेक कर सकते हैं कि इसकी जो रेगुलर प्राइस है वो 13,990 रुपए होती है, यानी कि करीब 14,000 रुपए करीब होती है, लेकिन ये जो स्मार्टफोन है ये केवल हमें अभी 12,990 रुपए मिल रहा है, यानी कि इसमें भी हमें 1,000 रुपए का डिस्काउंट देखने को मिल जा रहा है। तो अगर आपको ये स्मार्टफोन परचेस करनी है तो लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो हमारे लिस्ट में तीसरा जो स्मार्टफोन आता है वो आता है Redmi का Note 6 Pro। और ये जो स्मार्टफोन है ये 4 GB रैम और 64 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है। साथ ही इसका दूसरा जो वेरिएंट है वो 6 GB रैम और 64 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है। तो दोनों ही स्मार्टफोन में, दोनों ही वेरिएंट में आपको डिस्काउंट देखने को मिल जा रहा है, मैं आपको दिखा दे रहा कि कितना डिस्काउंट देखने को मिल रहा है हमें दोनों वेरिएंट में। तो Redmi Note 6 Pro का जो 6 GB रैम और 64 GB इंटरनल स्टोरेज वाला जो वेरिएंट है उसकी जो कीमत है वो फिलहाल 14,999 रुपए रखी गई है। और अगर इसकी रेगुलर प्राइस के बारे में बात करें तो इसकी जो रेगुलर प्राइस है वो 15,999 रुपए हुआ करती है, यानी कि करीब 16,000 रुपए। मगर ये जो स्मार्टफोन ये करीब आपको 15,000 रुपए में मिल जा रहा है, तो इसमें भी करीब आपको 1,000 रुपए का डिस्काउंट देखने को मिल जा रहा है। तो अगर आपको परचेस करनी है तो लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा अगर हम इसके दूसरे वेरिएंट के बारे में बात करें तो दूसरा जो वेरिएंट है वो 4 GB रैम और 64 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है, जिसकी जो फिलहाल प्राइस है वो 12,999 रुपए रखी गई है। और अगर हम इसके रेगुलर प्राइस के बारे में बात करें तो इसकी जो रेगुलर प्राइस है वो 13,999 रुपए हुआ करती है, मगर ये जो स्मार्टफोन है वो फिलहाल हमें केवल 12,999 रुपए में मिल रहा है, यानी कि करीब इसमें भी हमें 1,000 रुपए का डिस्काउंट देखने को मिल जा रहा है। तो भाई हमारी लिस्ट में चौथा जो स्मार्टफोन आ रहा है वो आ रहा है औकात से बाहर का, यानी कि एप्पल के स्मार्टफोन का। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एप्पल का जो iPhone XR है इसकी जो प्राइस है वो फिलहाल 67,999 रुपए रखी गई है। और अगर रेगुलर प्राइस के बारे में बात करें तो इसकी जो रेगुलर प्राइस है वो करीब 76,000 के करीब होती है, 76,900। इसके अलावा इसके बाद इसकी जो प्राइस है वो करीब 73,990 रुपीस होती थी, लेकिन ये जो स्मार्टफोन है ये फिलहाल हमें केवल 67,999 रुपीस में मिल रहा है, यानी कि करीब इसमें भी हमें 5-6,000 का डिस्काउंट देखने को मिल ही जा रहा है। तो अगर आपको ये स्मार्टफोन परचेस करनी है, यानी कि एप्पल का आईफोन परचेस करना है, तो ये आप लोगों के लिए बेस्ट डील होगा एप्पल के स्मार्टफोन के लिए। तो अगर आपके पैसे हैं, यानी कि किडनी वगैरह बेचने की जरूरत ना पड़े, तो आप इसे परचेस कर सकते हो, क्योंकि ये एक बेस्ट डील है। तो इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। तो हमारे इसमें पांचवें नंबर पे जो स्मार्टफोन आता है वो आता है Zenfone का Max Pro M2। और ये जो स्मार्टफोन ये 3 वेरियंट में अवेलेबल है। पहला जो वेरियंट है वो 3 GB रैम और 32 GB इंटरनल स्टोरेज वाला है। साथ ही इसका दूसरा जो वेरियंट है वो 4 GB रैम और 64 GB इंटरनल स्टोरेज वाला है। साथ ही इसका तीसरा जो वेरियंट है वो 6 GB रैम और 64 GB इंटरनल स्टोरेज वाला है। लेकिन जो 6 GB रैम और 64 GB इंटरनल स्टोरेज वाला है वो फिलहाल कमिंग सून आ रहा है, यानी कि ये जो स्मार्टफोन ये फिलहाल अवेलेबल नहीं है फ्लिपकार्ट पे। तो अभी जो फिलहाल अवेलेबल है वो 4 GB रैम और 3 GB रैम वाला ही स्मार्टफोन जो वो अवेलेबल है। तो मैं इन दोनों का प्राइस आपको दिखा दे रहा हूं। तो यहां पे आप देख सकते हैं Asus Zenfone Max Pro M2 का जो 4 GB रैम और 64 GB इंटरनल स्टोरेज वाला वेरिएंट है उसकी जो फिलहाल प्राइस है वो 13,999 रुपए है। लेकिन अगर रेगुलर प्राइस के बारे में बात करें तो रेगुलर प्राइस जो है वो 14,999 रुपए हुआ करती है, यानी कि इसमें भी हमें 1,000 रुपए का डिस्काउंट देखने को मिल जा रहा है। इसके अलावा इसके अगर दूसरे वेरिएंट के बारे में बात करें जो कि 3 GB रैम और 32 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है, उसके अगर फिलहाल प्राइस के बारे में बात करें तो फिलहाल जो इसकी प्राइस है वो 11,999 रुपए रखी गई है। लेकिन अगर रेगुलर प्राइस
प्राइस के बारे में बात करें तो इसकी जो रेगुलर प्राइस है वो 12,999 रुपये हुआ करती है, लेकिन फिलहाल इसकी प्राइस जो है वो केवल 11,999 रुपये रखी गई है, यानी कि इसमें भी हमें 1,000 रुपये का डिस्काउंट देखने को मिल जा रहा है। तो हमारी लिस्ट में 6 नंबर पर जो स्मार्टफोन आता है वो आता है हॉनर का 9N, और ये जो स्मार्टफोन ये फिलहाल 2 वेरियंट में अवेलेबल है। पहला जो वेरियंट है वो 4 GB RAM और 64 GB इंटरनल स्टोरेज वाला है, साथ इसका दूसरा जो वेरियंट है वो 3 GB RAM और 32 GB इंटरनल स्टोरेज वाला है। तो चलिए इसके भी प्राइस के बारे में आपको बता दें, तो हॉनर 9N का जो 4 GB RAM और 64 GB इंटरनल स्टोरेज वाला वेरियंट है, इसकी अगर रेगुलर प्राइस के बारे में बात करें तो इसकी जो रेगुलर प्राइस है वो 10,999 रुपये हुआ करती है, लेकिन अगर फिलहाल इसकी प्राइस के बारे में बात करें तो फिलहाल इसकी जो प्राइस है वो केवल 10,499 है, यानी कि इसमें हमें करीब 500 रुपये का डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। तो ये भी काफ़ी अच्छा डिस्काउंट है, क्योंकि यार 500 रुपये अगर कम देने पड़ रहे हैं तो ये भी आप लोगों के लिए एक बेस्ट डील हो सकता है। तो अगर आपको परचेस करना है तो लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही इसका दूसरा जो वेरियंट है वो 3 GB RAM और 32 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है, जिसकी जो फिलहाल प्राइस है वो 8,499 रुपये रखी गई है, और अगर रेगुलर प्राइस के बारे में बात करें तो इसकी जो रेगुलर प्राइस है वो करीब 8,999 रुपये हुआ करती है, यानी कि इसमें भी हमें करीब 500 रुपये का डिस्काउंट देखने को मिल जा रहा है। तो हमारे लिस्ट में 7वें नंबर पे जो स्मार्टफोन आता है वो आता है सैमसंग का गैलेक्सी S8, और ये जो स्मार्टफोन है इसमें हमें काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट देखने को मिल रहा है, क्योंकि अगर हम इसके रेगुलर प्राइस के बारे में बात करें तो इसकी जो रेगुलर प्राइस है वो करीब 39,990 रुपीज़ हुआ करती है, लेकिन अगर फिलहाल इसके प्राइस के बारे में बात करें तो फिलहाल इसकी जो प्राइस है वो केवल 30,990 रुपीज़ रखी गई है, यानी कि करीब इसमें हमें 9,000 रुपये का डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। तो अगर आपको ये स्मार्टफोन परचेस करनी है तो ये आप लोगों के लिए बेस्ट डील हो सकता है, तो लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो हमारे लिस्ट में 8वें नंबर पर जो स्मार्टफोन आता है वो आता है नोकिया का 5.1 प्लस, और ये जो स्मार्टफोन है ये 3 GB RAM और 32 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है, और अगर फिलहाल इसकी प्राइस के बारे में बात करें तो इसकी जो प्राइस है वो केवल अभी 8,999 रुपये रखी गई है, और अगर रेगुलर प्राइस के बारे में बात करें तो इसकी जो रेगुलर प्राइस है वो 9,999 रुपये हुआ करती है, यानी कि इसमें हमें 1,000 रुपये का डिस्काउंट देखने को मिल जा रहा है। तो हमारे लिस्ट में 9th नंबर पर जो स्मार्टफोन आता है वो आता है नोकिया का 6.1 प्लस, और ये जो स्मार्टफोन है ये 4 GB RAM और 64 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है, और अगर फिलहाल इसकी प्राइस के बारे में बात करें तो इसकी जो प्राइस है फिलहाल वो 13,999 रुपये रखी गई है, और अगर इसके रेगुलर प्राइस के बारे में बात करें तो इसकी जो रेगुलर प्राइस है वो 14,999 रुपये हुआ करती है, यानी कि इसमें हमें करीब 1,000 रुपये का डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। तो अगर आपको ये स्मार्टफोन परचेस करना है तो लिंक जो है वो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो हमारे लिस्ट में 10 नंबर पर यानी कि सबसे लास्ट वाला जो डील है वो आ रहा है एसुस की तरफ से, यानी कि जो स्मार्टफोन है वो है एसुस का जेनफोन लाइट L1, और ये जो स्मार्टफोन है ये 2 GB RAM और 16 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है, और इसकी जो फिलहाल प्राइस है वो केवल 4,999 रुपये है, और अगर इसकी हम रेगुलर प्राइस के बारे में बात करें तो इसकी जो रेगुलर प्राइस है वो करीब 5,999 रुपये हुआ करती है, यानी कि ये जो स्मार्टफोन है ये हमें 6,000 रुपये मिलता है, लेकिन ये जो स्मार्टफोन है फिलहाल हमें केवल 5,000 रुपये का देखने को 5,000 रुपये में देखने को मिल रहा है, यानी कि इसमें हमें करीब 1,000 रुपये का डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। तो अगर आपको परचेस करना है तो कर सकते हो, वरना मैं सजेस्ट करूंगा कि मत ही करना इसको, और करना है तो कर भी सकते हो, आपकी मर्जी। तो भाई ये था फ्लिपकार्ट के मोबाइल बोनांजा सेल को लेकर एक छोटा सा अपडेट, किन किन स्मार्टफोन में आपको कितना ज़्यादा डिस्काउंट देखने को मिल रहा है, मतलब कि जो भी स्मार्टफोन पे आपको बेस्ट डिस्काउंट देखने को मिल रहा है उन सारे स्मार्टफोन को मैं इस वीडियो में कवर कर चुका हूं। तो अगर आपको इनमें से कोई भी स्मार्टफोन परचेस करना है तो लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना ताकि उन्हें इसके बारे में पता चल सके, और अगर आपको किसी भी तरह के कंफ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकती हो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो फ्रेंड मैं मिलता हूं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।